इस वक्त हैं हम लोग थिम्पू और फुंसलिंग के रास्ते में, और ये जो चीज़ इस वक्त मैं खा रहा हूँ इसे कहते हैं दुमा। हमारे यहाँ जिसको पान कहा जाता है ये दुमा है। दुमा चूना, पान का पत्ता और सुपारी को मिलाकर बनाया गया है। भूटान में हर एक मर्द और औरत आपको दुमा खाते हुए मिलेगी। जब टैक्सी वाले ने मुझे दुमा ऑफ़र किया तो मैंने उसको रेसिस्ट नहीं किया और खाया। अच्छा है, एकदम से हीट अप लगता है बॉडी में और ठंड का एहसास कम होता है। अभी टाइम हुआ है 2 बजे का और हम सड़क के किनारे पर एक रेस्टोरेंट में अभी पहुँचे हैं। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, अच्छे से डेकोरेट और मेंटेन किया गया है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। हम लोग जाकर सीट पर बैठे और फिर थोड़ी देर बाद हमें बताया कि मेन काउंटर पर जाइए, वहाँ से कूपन लीजिए और कूपन लेने के बाद वो कूपन आप सर्विंग काउंटर पे दे दीजिएगा। वहाँ से फिर फूड आपको आपके टेबल पर दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा। अच्छा था। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप किसी शॉपकीपर से जा करके पूछे कि आपके यहाँ अच्छा क्या है तो रुकेगा यहाँ तो सब कुछ अच्छा है। और एक चीज़ मैंने वो नोटिस की है, अगर आप अपने ही स्टेट का और अपनी ही सिटी का फूड किसी और कंट्री में या वहाँ स्टेट में जाकर ढूंढेंगे तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मली जिस भी स्टेट में आप हों, जिस भी कंट्री में आप हैं, आप वहीं का फूड लोकल इन्जॉय करिए, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिलेगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। मेरा सजेशन तो यही है, बाकी मर्जी आपकी। देखिए, इन्जॉय करिए, खाना अच्छा था, सर्विंग का सिस्टम अच्छा था और एम्बियंस होटल का अच्छा था। दैट्स ब्लैक कॉफी बट आई टेक इट लेटर। बहुत दाल ही नहीं है, पानी है, दाल का पानी होता है। भाजी काफ़ी अच्छी है, भाजी डी काफ़ी अच्छी। ये जो बैकग्राउंड में एक रेस्टोरेंट है, यहाँ हमने अभी लंच किया है। इस वक्त टाइम हुआ है करीब 2। ये वो डाइवर्जन है, यहाँ से सीधा रास्ता 31 किलोमीटर जा रहा है थिम्फू के लिए। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है पारो जाने के लिए। मेरा जो ग्रुप है वो पारो में है। मेरा आज का स्टे पारो का है। मैं अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ से पारो के लिए टैक्सी ली। इस जगह का नाम है छुजुम। जब आप इस पुल को क्रॉस करेंगे तो बहुत तेज़ हवा चलती है मैक्सिमम टाइम पर। छुजुम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक छू जिसका मतलब है पानी वाटर और एक जोम मीटिंग जहाँ पानी अलग अलग नदी का आकर मिलता है। तो ये एक कॉन्फिडेंस है दो रिवर्स का। पारो की तरफ से पारो छू आती है और वांग छू आएगी थिम्फू की तरफ से। दोनों नदी यहाँ मिलती है और यहाँ से बहकर आगे निकल जाती हैं इंडिया की तरफ। तो छू जोम, यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी पारो जाने के लिए। पारो के लिए टैक्सी पे 150 रुपये की डिमांड करेंगे आप, 100 रुपये कहिए तो 120 रुपये में आपको मिल जाएगी टैक्सी। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 40 मिनट का रास्ता है, 120 रुपये में आप पहुँच जाएंगे पारो। यहीं से थिम्फू का रास्ता भी निकलता है, हावेली भी यहीं से है। हावेली का आपको बोर्ड बाईं तरफ नज़र आएगा, 60 किलोमीटर लिखा हुआ है और 31 किलोमीटर थिम्फू है। जैसे आपका दिल करे वैसे ट्रैवल करिए, ये एक इंटरसेक्शन की तरह है। आपने पढ़ा नहीं लेकिन बात कर करके आप लोग सीख गए। अच्छा, ये अच्छी बात है, जो इंडिया के टूरिस्ट आते हैं उनके लिए आसान होता है, उनसे बात करना आसान है। हावेली कितना दूर है उस तरफ से? अभी तो इधर से भी जाता है तो सर, दो रास्ता है। इधर वाला छोटा है ना रास्ता? हाँ, इधर से बहुत लंबा है। चार घंटा लगेगा। इधर से 1 घंटा आधी लगेगा सर, लेकिन अप डाउन में 3 घंटा जैसे लगेगा। अप डाउन में 3 घंटा? अच्छा, बीच में चलेला पास? हाँ, चलेला पास। हाँ सर, उस तरफ से बर्फ भी देखेगा आप लोग? ऊपर बर्फ है तो रास्ते में पूरा बर्फ है।
थोड़ा रिस्की भी है लेकिन अभी तो चलता है गाड़ी रोड के लिए। अच्छा एक नया रोड बना ना हावेली के लिए, वो स्टार्ट हो गया अभी बात है? अभी वो ब्रिज का सिर्फ रोक दिया सर, ब्रिज कंप्लीट नहीं हो गया ना सर, तो अभी स्टार्ट नहीं, स्टार्ट नहीं हो गया। तो ये फेस्टिवल ऑफ मास्क कहते हैं इसको जो अभी हो रहा है, या मास्क का उत्सव है? हां तो चेचू में आता सर, मास्क डांस करेगा। मास्क डांस तो फेस्टिवल का नाम क्या है? पारो चेचू। पारो चेचू अरे चेचू चू चेचू क्या होता है? चेचू मींस फेस्टिवल का नाम है सर। चेचू हां मास्क डांस के का बढ़िया लैंग्वेज है। तो मास्क डांस चेचू मतलब मास्क डांस। ये लोग भी देखो ना सर, पीछे वाला वो मॉर्ट ऐसे बीट करके बनाते हैं सर, आगे वाला वो वुडन का सब पैटर्न। ये ऐसा होगा ना सर, विंटर में भी बहुत गर्म रहता है और कंक्रीट के तो बहुत ठंडा होते हैं ना सर। हाँ ये बात है, तो ये भी वुडन और स्टोन का तो उसके ऊपर फ्लोरिंग सब वो वुडन है। जब ठंड होता है यहाँ सर्दी में तो बहुत बर्फ गिरती है इस तरफ, सब बर्फ होता है इस टाइम तो कितना 5 times बर्फ गिर रहा है इस तरह। अच्छा इस अभी भी देखो ना सर, उधर हिमालय रेंज में तो अभी भी अभी है, अभी स्नोफॉल हुआ है कुछ दिन पहले। हाँ तो सर शिमला में, हाँ उधर सर अभी कुछ दिन पहले, हाँ तो उधर इधर गए एक ही है सर, यहाँ भी 5 times सर बर्फ, अभी उचे लाला पास बहुत देखेगा आपको, बहुत ठंडी है सर। थिम्फू का वांगचू बोलता है, अब बस में आए कि टैक्सी में सर? नीचे से, नीचे से टैक्सी लेना। ट्रैवलिंग कैसे होगी? अच्छा था सर, हाँ कंफर्टेबल, बहुत आराम से, रास्ता भी बहुत बड़ा पहले तो ऐसे नहीं था तो सर। अच्छा 2000 में तो ऐसे कहाँ छोटा रोड था। अच्छा 2000 में, हाँ तो 2013 से इधर डेवलप हो गया सर। बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ सड़कें क्या तरक्की हो रही है, सड़कें बढ़िया हो रही है, प्लांट के लिए लगाए हैं। ये पाइन ट्री है ना सर, वो लगाते हैं। अच्छा गवर्नमेंट लगाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये भी चीज का एक हंट है, तो गिरलिंग है ना सर उधर, हाँ वही खेलने के लिए आता है गेस्ट। क्या खेलने के लिए आता है? गिरलिंग सर, गिरलिंग वो आदमी उतर जाता है ना सर, रोप लगा के ब्रिज में रिवर को क्रॉस कर, रिवर क्रॉस कर। तो जब उधर जाना होता है रिवर के उस तरफ तो वो क्रॉस करके जाते हैं, तो वो एक बॉक्स है ना सर, हाँ बॉक्स में बैठ के
वो भी फिल्म में देखा था ना, शाहरुख गिर जा रहे हैं वैसे ही। नेपाली लोग ना सर प्रेग्नेंट फिश को देते हैं, जब लेडी प्रेग्नेंट होगा ना उसको ट्राउट फिश का सूप देगा, अच्छा बहुत तगड़ा होगा। वो म्यूजियम है बोल रहे हैं ना, ऊपर का म्यूजियम है सर, ऊपर सबसे ऊपर। ओके, और ये फोटो, ये फोटो ही है, अच्छा दो है इसका टाइमिंग शायद अभी टाइम बंद हो गया सर, फोर से ऑफिस बंद होगा ना सर, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। नहीं क्लॉक टावर टाउन में जा रहे हैं, टाउन में जा रहे हैं। क्लॉक टावर किस तरफ? वही टाउन में है, टाउन के बीच में, ये बाहर है टाउन से। हाँ सर, पीसफुल है, ठंडी हवा और साफ फ्रेश एयर जिसे कहते हैं वो यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जिस तरह की बिल्डिंग यहाँ बनाई जाती है, वो वाकई शानदार है। अलग एक्सपीरियंस, अलग जगह, अच्छी जगह लग रही है। 120 रुपये लिए मुझे 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, 4 रुपये पर किलोमीटर का। मेरा जो ग्रुप के लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, अभी लुबजैंग है यहाँ पे जो मुझे रिसीव करने आया था, और ये अभी निकलेगा थिम्फू, हमें एक फार्म हाउस पर लेकर के जा रहा है। तुम फार्म हाउस पर रुकेंगे, वहाँ के बाद फार्म हाउस फाइनल करके हम आगे निकलने वाले हैं। लेकिन मेरे ग्रुप के लोग हैं, या दे आर द वन, तो अभी चाइना में अभी चाइना में उसको जो टेम्पल है ना, हाँ सब इतना बड़ा है, पूरा बिल्डिंग को देखने में उसमें जाने तो बहुत सुंदर लग रहा है। सीट में डार्क है, ये टू बेडरूम है। हाँ देख लीजिए, डबल ऑक्यूपेंसी, आप
घूमते रहो और अपने आप को शूट करते रहो। अच्छा जब बोल रहे तो सब तो पैरों से एक साथ आए थे, जब आए थे आपको 400 देना पड़ेगा सबका एक, क्योंकि टैक्सी में पूरे फोर से पहले यस इंक्लूडिंग ड्राइवर से ज़्यादा नहीं ले सकते बिल्कुल एक, अगर वो ज़्यादा ले ही लिया तो उसका बहुत एक्सपेंसिव होगा। रिजर्व का मतलब यही है ना कि आपको ज़्यादा पे करना है, टैक्सी करने के लिए सारे फोर्स आपके रहते पर जरूर पहुँचा दीजिए। चलो ये इस जगह पे सब तो टेंट से बड़ा होगा। ये है वो ग्राउंड जहाँ पर होगा पारो छेचू का शॉपिंग एरिया। यहाँ पर सब स्टॉल लगेंगे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के। कैसा है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा टाइम इसी ग्राउंड में स्पेंड किया है। जितने भी कल्चरल और रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं वो पारो जोंग के अंदर होता है। पूरा का पूरा एरिया पारो जोंग में अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसको छेचू को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, बनाया गया है। लेकिन फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, ये सब इसी जगह पर देखने को मिलेगी आपको। तो आने वाले वीडियो में बहुत सारी अलग अलग तरह की जानकारी है। कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए और